साथ हार गए। अच्छा लग रहा है देखकर, और यहाँ पर मैं आया हूँ ये इमोर्टल क्लब, और बहुत अच्छा है। अंदर गया हूँ मैं, देखा ये बेस्ट क्लब है यहाँ का, अच्छा लग रहा है देखकर। तो आप क्या कहेंगे अर्चना जी के बारे में, जो कि काफी फेमस हो रही हैं, जल्दी मूवी भी आने वाला है? हाँ, उनकी अभी मूवी आ रही है, पंजाबी मूवी वगैरह, और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी देख रहे हो आप खतरों के खिलाड़ी, बहुत अच्छा चल रहा है, सब पसंद भी कर रहे हैं, और सबने रोहित शेट्टी सर ने और सबने मतलब तारीफ भी कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देखकर कि इतनी तारीफ मिल रही है बैंड को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको उनका खतरों के खिलाड़ी में परफॉर्मेंस कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने स्टंट्स भी किए जिसने सोचा भी नहीं था ना कि बहन ऐसा करेगी ना स्टंट्स। सबने सोचा था कि यार ये तो सिर्फ ऐसे ही है, कॉमेडी करेगी, स्टंट्स वगैरह नहीं कर पाएगी, तो सब उनका उल्टा हो गया। उन्होंने बहुत अच्छे से स्टंट्स किए और सब बेस्ट किया उन्होंने अपना। लेकिन लेकिन डेली स्टार के साथ उनकी काफी कंट्रोवर्सी हुई है, डेली स्टार ने बहुत कुछ बोला है, क्या कहना चाहिए? देखो पता नहीं, ये तो मैं भी नहीं बोल सकता क्यों बोल रहे ऐसा, क्योंकि सब जब तारीफ कर रहे हैं, सबको अच्छा लगा है उनका बिहेवियर, उनका साथ, तो उनको क्या हुआ था जो ऐसा बोले, तो ये इसके पीछे क्या राज है वो ही जान सकते हैं। अर्जित अर्जित ने भी सपोर्ट किया है अर्चना को, दीनू ने भी सपोर्ट किया, क्या कहना चाहिए वीडियो बनाकर? हाँ राइट, मैंने तो देखा भी था ये चीज, और मुझे तो अच्छा लगा कि यार इन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, और सही सपोर्ट किया बिल्कुल, ये भी नहीं कि कुछ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जैसे देखे हैं सबका साथ, और वहाँ पे ये बिग बॉस की तरह तो था नहीं, वहाँ तो सब मिलके बाहर रह रहे थे, ऐसा नहीं कि बंद के कोई परेशान होकर एक दूसरे से खुन्नस निकालेंगे, वहाँ ऐसा नहीं था, तो मुझे तो सही लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला, जवाब दिया था, अच्छा जवाब दिया था। बिग बॉस ओटीटी कितना देख रहे हैं आप? काफी हंगामा हो रहा है बिग बॉस ओटीटी में, एलबी यादव और उपराज जीतने वाले हैं, फिर दोनों के बीच में कंटेस्टेंट है, टॉप थ्री में मनीषा रानी, अभिषेक शुक्रा और ये जाते, क्या कहना चाहोगे? मैंने वैसे पूरा ओटीटी वगैरह तो देख रहा नहीं हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा जैसे क्लिप वगैरह आते हैं, जैसे अभी ये एलविश यादव का ही बहुत चल रहा है, तो ये हुआ था सलमान सर ने थोड़ा बोला भी था, मुझे लग रहा है डाटा था एलविश यादव को, तो उसको फिर ऐसा यही है कि मतलब मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि मतलब कोई धमकियाँ वगैरह होती है तो वहाँ पे धमकियाँ भी दी जा रही है, जैसे एलविश यादव ने एक बार धमकी भी दे दी थी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एलविश यादव ही चल रहा है, बट ऐसा धमकी वगैरह नहीं होना चाहिए ऐसे शो पे कि बाहर निकल के, क्योंकि ये बिग बॉस के टाइम पे जब स्टैन ने बहन को बोला था वो भी गलत था, इससे ना असर गलत बैठता है पब्लिक को, ना ये गलत व्यू जाता है कि ऐसे तुम धम इतने बड़े शो पे आप बुला रहे हो और ये नेगेटिविटी जा रही है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए कि आप वहाँ पर आप धमकियाँ दो इतने बड़े चैनल पे, तो मुझे वो गलत लगा था, बाकी सब सही चल रहा था, तो मैंने ज्यादातर व्यू यही देखे कि एलविश यादव वगैरह ही ज्यादा हिट चल रहा है अभी। खबर आ रही है आप भी जा रहे बिग बॉस? अभी पता नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।